नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा राव। हमारे महाविद्यालय में दिनांक 4 दिसंबर से एक कार्यक्रम चल रहे हैं उमंग, जिसको हमने युवा महोत्सव हमारा है उसको उमंग नाम दिया है, और उसी उमंग के साथ बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हुई हैं। बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं, कुछ बच्चों की बहुत छुपी प्रतिभाएं हमें अब पता चली हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल उसमें बच्चे थोड़ा सा बिजी रहे, हमारे समक्ष आ नहीं पाए, लेकिन इस उत्सव के माध्यम से वो हमारे अपनी उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रतिभाएं हमारे सामने प्रदर्शित करी हैं, जिससे हम बहुत आलाहित हैं। हाँ, खेलकूद यहाँ पे हुए और बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए कि जब खेलकूद शुरू हुए तो मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन हमारे बच्चों का उत्साह, हमारी स्पोर्ट्स वाली जो मैम हैं डॉक्टर अनुभूति, उनका उत्साह देखते बन रहा था, और उतना ही साथ भगवान ने भी हमारा दिया। बहुत उत्साह से यहाँ पे बच्चों ने खेलकूद में पार्टिसिपेट किया, और वैसे भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर भी जीत के आए हैं, और निरंतर यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने खेलकूद का प्रदर्शन किया है। बहुत उत्साह के साथ उन्होंने अपने प्रतिभा किया इस खेलकूद प्रतियोगिता में, और उसके बाद 6 तारीख को इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं हुई थी, जिसमें शहर के और भी महाविद्यालयों ने शिरकत करी थी, और बहुत खुश रहे वो। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे लगा, और उसमें भी हस्तशिल्प कला के जो डायरेक्टर हैं वो आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत उत्साहित किया, और बच्चे आगे बढ़ने के लिए उसी क्षेत्र में बहुत उनको ज्ञान प्राप्त हुआ इस मेले के माध्यम से। उन्होंने जिस तरह से और भी अपनी प्रतिभाएं दिखाई उसके साथ साथ वो इसी तरह से आगे भी सारी मुसीबतों को साथ लेते हुए झेलते हुए उससे लड़ने का प्रयास करते रहे और उससे जीत के दिखाएं, जैसे उन्होंने यहाँ पे सभी कार्यक्रमों में सफलता अपनी यहाँ दिखाई है, भविष्य में भी इसी तरह से वो सफल रहें। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनको भी देखना है, साथ में उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं बच्चों को हमेशा प्रेरित करती हूँ और करती रहूँगी।